नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन का आगाज करेंगे ऋषिकेश से बड़ी खबर के साथ। सीआरपीएफ जवान सुखबीर सिंह बिष्ट का निधन हो चुका है। 2016 में आतंकी हमले में वो घायल हुए थे, जिसके बाद से दिल्ली के मिलिट्री अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। शहीद जवान को अंतिम विदाई दी गई, गोरीघाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। हरिद्वार में बाजार खोले जाने और चारधाम यात्रा खोलने की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन दिया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर अशोक शर्मा ने कहा कि हरिद्वार का छोटा बड़ा व्यापारी और मध्यम वर्ग इस कोरोना काल में भुखमरी के कगार पर आ गया है और राज्य सरकार इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। मामला यही है कि व्यापारी बहुत परेशान है, आजीविका से रोजी रोटी के लाले पड़े हुए हैं, लोगों के घर में जो है फाके हो रहे हैं। व्यापारी छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा मध्यम सारे व्यापारी परेशान हैं, आम जनता परेशान है, पंडित परेशान है, हमारे पंडित ब्राह्मण भाई परेशान है, हर आदमी जो व्यापार के काम से जुड़ा हुआ है, जो हरिद्वार के काम से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये सीजन का ही काम होता है। हर बार सीजन में ही आके जो है कोरोना का बहाना लेके कोरोना का व्यापक प्रचार प्रसार करके सरकार। तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें, बाजार और चारधाम खोलने की मांग की गई है, सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन देखने को मिला। अशोक शर्मा के नेतृत्व में बड़ी तादाद में लोग यहां पर सड़कों पर उतरे और सभी ने नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। व्यापारी कोरोना काल में जिस तरीके से प्रभावित हुए, उसके बाद से ही लगातार उनका विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि व्यापारियों की ओर ध्यान देने की जरूरत है सरकार को। हालांकि बाजार अभी पूरी तरीके से नहीं खुले हैं, हालांकि देश के अलग अलग राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन उत्तराखंड में फिलहाल जो परिस्थितियां हैं वो अनुकूल नहीं है। इन सबके बीच रोजगार छिन चुके लोग और जिनकी दुकानें और कामकाज खासतौर पर सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है, लोगों का रोष प्रदर्शन यहां पर देखने को मिल रहा है। खबर मसूरी से, जहां पर पर्यटक स्थलों को ना खोले जाने को लेकर मसूरी में व्यापारियों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है, जिसको लेकर मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के नेतृत्व में मसूरी के व्यापारियों ने मसूरी के ऐतिहासिक पर्यटन स्थल कंपनी गार्डन के मुख्य गेट पर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हमने तीन सवाल सुबोध उनियाल जी से पूछे हैं। मुख्य तौर पर पहला प्रश्न, अगर उत्तराखंड में पर्यटकों को आवाजाही की अनुमति है, आवागमन की अनुमति है, तो उत्तराखंड के खासकर मसूरी के पर्यटक स्थल बंद क्यों हैं? दूसरा, शनिवार रविवार को अगर पर्यटक आ सकते हैं तो लॉकडाउन और कर्फ्यू का क्या माननीय है, क्या अर्थ है? और तीसरा, अगर दारू और मदिरा परोसने वाली दुकानें जो हैं, रेस्टोरेंट जो हैं, वो रात को 10 बजे तक खुल सकते हैं, तो छोटा व्यापारी, मध्य वर्ग का व्यापारी अपनी दुकान 8 बजे तक क्यों नहीं खोल सकता? और खासकर एक बात और, उत्तर प्रदेश के पर्यटक स्थल समस्त रूप से खोल दिए गए हैं, सोच नहीं रहे, समझ नहीं पा रहे हैं। ये पर्यटकों को आवाजाही का अनुमति तो देते हैं, लेकिन यहाँ के निवासियों को और यहाँ के व्यापारियों को अपने पर्यटन स्थल खोलने की अनुमति नहीं दे रहे। इसके विरोध में हमने आज धरना दिया और ये धरना जारी रहेगा जब तक सरकार जागेगी नहीं और व्यापारी हित में सोचेगी नहीं। उत्तराखंड किसान मोर्चा के बैनर तले सैकड़ों किसान अपनी मांगों को लेकर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय पर धरने पर बैठ गए। किसानों का कहना है कि कोरोना संक्रमण के चलते वो अपनी मांग को सरकार तक नहीं पहुंचा पा रहे थे और इसीलिए आज उन्हें धरना प्रदर्शन करना पड़ा है। किसानों ने बताया कि जिले में यूरिया की बहुत बड़ी कमी है, किसान अपने खेतों में खाद नहीं डाल पा रहे। साथ ही किसानों ने आरोप लगाते हुए कहा कि उनका गेहूं और गन्ने का बकाया भुगतान अभी तक नहीं मिल पाया है, जिससे किसान इस कोरोना वैश्विक महामारी में भुखमरी के कगार पर आ पहुंचे हैं।
किसानों की एक ज़िले में बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है कि आज फसल तैयार करने के लिए किसान को यूरिया की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और पूरे ज़िले के अंदर किसानों को यूरिया नहीं मिल पा रहा। अगर यूरिया किसानों को नहीं मिला तो जो आने वाली फसल है किसान की उस पर उसका प्रभाव पड़ेगा, तो इसलिए हम आज धरना ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रोड के यहाँ ले धरने पर बैठे हैं। दूसरी जो समस्या है, गेहूँ जो सरकार ने खरीदा था उसका भुगतान अब तक सरकार नहीं करा पाई। काशीपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब 3 दिन पहले गायब एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ। शव कटोरा ताल पुलिस चौकी क्षेत्र के अंतर्गत मोहल्ला काजीबाग का एक पार्किंग हॉल में बने कमरे में शत विक्षत पड़ा हुआ मिला। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की जांच भी शुरू कर दी है। एक बॉडी मिलने की सूचना मिली थी, जिस पर कि मैं भी, हमारे एसपी साहब और थाना कोतवाली काशीपुर की पुलिस वो मौके पर पहुंचे थे। तो वहाँ जो एक गोदाम है और गोदाम में एक छोटा सा रूम बना हुआ था जिसमें कि लकड़ी और ये बोरे वगैरह रखे हुए थे, उसमें एक बॉडी जो है मिली वो कि एक रस्सी से जो है लटकी हुई थी और बॉडी को देख के ऐसा लग रहा था 2 या 3 दिन पुरानी है, जगह जगह से खाल छिली हुई थी। तो प्रथम दृष्टया भी बॉडी का मुआयना किया गया है और उसके पास जहाँ बॉडी मिली उस कमरे के पास एक टीन का जो है शेड भी है, तो वहाँ भी थोड़े से खून वगैरह के डब्बे वहाँ पर मिले हैं। तो अभी देखिए जो आगे की बात है वो जो इनकी पीएम रिपोर्ट है, जब पोस्टमार्टम हो जाएगा पीएम रिपोर्ट के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि कॉज ऑफ डेथ क्या है, मृत्यु कैसे हुई है उनकी। उत्तराखंड मित्र पुलिस ने मानवता दिखाते हुए काशीपुर रामनगर रोड स्थित राजकीय चिकित्सालय के ब्लड बैंक में आईटीआई थाना पुलिस ने रक्तदान किया। आईटीआई थाना प्रभारी विद्यादत्त जोशी ने कहा कि आज सुबह एक व्यक्ति ए पॉजिटिव ब्लड के लिए आया, जिस पर तत्परता दिखाते हुए विद्यादत्त जोशी और कांस्टेबल ब्लड डोनेट करने के लिए काशीपुर के राजकीय चिकित्सालय में बने ब्लड बैंक में पहुंचे। वहां पर अपनी स्वेच्छा से उन्होंने रक्तदान किया। उनका कहना है कि हर व्यक्ति को अपनी मानवता दिखाते हुए एक दूसरे की मदद जरूर करनी चाहिए, जिससे कोई भी व्यक्ति परेशान ना हो सके, और साथ ही उन्होंने अपील भी की है कि हर व्यक्ति को रक्तदान जरूर करना चाहिए। मदद के लिए जो पीड़ित है बेचारा, जिसको ब्लड की आवश्यकता है, ऐसे कोरोना काल में नहीं मिल पा रहा है, लोग परेशान हैं, तो अगर हम दे सकते हैं तो अच्छी बात है। इसलिए हम लोगों ने भी एक ये इसी तरह एक जो आदमी डोनेट कर सकता है उन सब ने एक बात कही कि भाई हम डोनेट करेंगे। और हमारे पास एक व्यक्ति आया था, कहने लगा मुझे ए पॉजिटिव की आवश्यकता है, तो ठीक है हम एक पॉजिटिव। बाजपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक युवक को करीब 4 ग्राम स्मैक और करीब 6000 रुपए की नकदी के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने युवक के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर उसे अब न्यायालय भेज दिया है। बता दें कि बाजपुर कोतवाली की महिला एसआई रुचिका चौहान को जानकारी मिली थी कि ग्राम धनसारा के समीप रेलवे फाटक के पास एक युवक स्मैक बेचने का काम कर रहा है, तो वहीं बन्नाखेड़ा चौकी पुलिस और वन विभाग की टीम ने अवैध खनन पर कार्रवाई करते हुए 7 बहनों को पकड़ने में सफलता हासिल की है, जिनमें पुलिस ने 3 ट्रैक्टर ट्रॉली, 3 डंपर और 1 ट्रॉली को अवैध खनन करते हुए भी जब्त किया। तो वहीं सीओ वंदना वर्मा ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देश पर कार्रवाई अमल में लाई गई। साथ ही उन्होंने बताया कि अवैध खनन को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमने शाम को नियमित चेकिंग के दौरान हमें ये घनसारा से एक युवक संदिग्ध मिला, जिसके पास से लगभग 4 ग्राम स्मैक बरामद हुई है, तो उसको अरेस्ट करके हम फिलहाल माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर रहे हैं। लगातार ये हमारा अभियान जारी रहेगा, जिसमें हम लोग ये जो भी ड्रग्स और स्मैक वगैरह के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, और पिछले काफ़ी दिनों से लगातार कार्रवाई भी हुई है, और आगे भी हमें जो इस तरह की सूचना मिलेगी तो हम लोग अब कार्रवाई करेंगे। ये खनन की सूचना थी बन्नाखेड़ा क्षेत्र से, तो चौकी के सहयोग से और वन विभाग की टीम से हम लोगों ने वहाँ पर छापा मारा और उसमें 7 वाहन सीज किए गए हैं और सभी को हमने वन विभाग को सुपुर्द कर दिया।
कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की गश्त कर रही टीम को कॉर्बेट पार्क के ढिकाला रेंज में बाघ का एक कंकाल नजर आया, जिसकी जानकारी कॉर्बेट की गश्त टीम ने तुरंत ही अपने उच्च अधिकारियों को दी। सूचना पाकर कॉर्बेट पार्क के उच्च अधिकारियों के साथ ही कॉर्बेट के वेटरनरी डॉक्टर भी मौके पर पहुंच गए और पोस्टमार्टम की कार्रवाई को शुरू किया। इस विषय में ज्यादा जानकारी देते हुए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक राहुल कुमार ने बताया कि यह कंकाल बाघ का है, तो वहीं उन्होंने कहा कि शव 3-4 दिन पुराना लग रहा है, क्योंकि बरसात की वजह से शव पूरा गल चुका है, केवल उसमें हड्डियां बची हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ढेला रेंज में एक मृत टाइगर का शव मिला है। शव की स्थिति काफी डिकम्पोज स्थिति में है। संभवतः लास्ट पिछले 2-3 दिन में जो बारिश हुई है उसके कारण ये स्थिति हुई है। इस पे हमारे वेटनरी टीम द्वारा पोस्टमार्टम और आगे की कार्रवाई की जा रही है। देश और दुनिया में आज 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस मौके पर भारत, अमेरिका, रूस और चीन सहित कई देशों में लोगों ने प्राणायाम, अनुलोम विलोम और सूर्य नमस्कार किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली में अपने सरकारी आवास पर योगासन किए, तो वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान और डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी योग दिवस मनाया। योग गुरु बाबा रामदेव ने हरिद्वार में योगासन किए। इसके अलावा इंडो तिब्बत बॉर्डर पर पुलिस के जवानों ने भी भारत चीन बॉर्डर के नजदीक अपनी कई पोस्ट पर योगासन किए। तिब्बत में आईटीबीपी के जवानों ने 18,000 फीट की ऊंचाई पर प्राणायाम किया। 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और उसकी कुछ बड़ी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देश के तमाम दिग्गजों ने योग किया। इसके अलावा देश के जवानों ने भी योग किया। बाबा रामदेव की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर उन्होंने योगासन किए, अलग अलग योगासन करते हुए नजर आए। देश दुनिया में 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज मनाया गया, जहां पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी योग किया। इन सब के बीच अलग अलग तस्वीरें देश के अलग अलग क्षेत्रों से लगातार सामने आई। डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी योग कर योग दिवस मनाया और इस दिन पर सभी को अपनी दिनचर्या में योग को शामिल करने का यहाँ पर संदेश भी दिया गया। चार और बड़ी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को आप तस्वीरों में देख सकते हैं, उन्होंने भी योगासन किया। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री की तस्वीरें दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर उन्होंने योगासन किया। सतपाल महाराज को आप देख सकते हैं। इसके अलावा अजय कुमार और अजय भट्ट ने भी योग दिवस योगासन करके मनाया। इन सबके बीच ये बड़ी तस्वीरें बड़ा संदेश देते हुए, क्योंकि कोरोना महामारी में जिस तरीके से लगातार लोगों की जो फिजिकल स्थिति है वो यहाँ पर बिगड़ती हुई नजर आ रही है, इन सबके बीच योग को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाएं, दिनचर्या का हिस्सा जरूर बनाएं। लद्दाख की बड़ी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जवानों ने भी योग करके योग दिवस मनाया। तिब्बत में भी आईटीबीपी के जवानों द्वारा योग दिवस मनाया गया, अलग अलग आसन कर योग किया गया। अलग अलग तस्वीरें लगातार देश के अलग अलग हिस्सों से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। साथ ही बड़ा संदेश दिया गया कि कितनी भी बिजी आपकी जिंदगियां क्यों ना हो चुकी हो, कितनी भागदौड़ की जिंदगी क्यों ना हो, लेकिन योग को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें। इससे पूरी तरीके से स्वस्थ आप रहते हैं, आपकी आयु भी बढ़ती है और बीमारी से भी बचाने में बहुत बड़ा योगदान योग देता है। न्यूयॉर्क की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर भी इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया। बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर देखिए अपनी मैट्स लेकर पहुंचे और सुबह से ही लोगों की लंबी कतारें देखने को मिली और सभी ने यहाँ पर योगा किया। तो आज देश में 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को संबोधित करते हुए योग का महत्व उन्हें समझाया। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोरोना काल के दौरान योग एक नई उम्मीद बनकर उभरा है। आज दुनिया 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है। योग दिवस के मौके पर भारत की ओर से दुनिया को एक और सौगात दी गई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में एम योगा ऐप लॉन्च करने की घोषणा की। इस ऐप के जरिए दुनिया की अलग अलग भाषाओं में योग सिखाया जाएगा। भारत ने एम योगा ऐप को विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर तैयार किया है। आज जब पूरा इस मुश्किल समय में इतनी परेशानी में लोग इसे आसानी से भूल सकते थे, इसकी उपेक्षा कर सकते थे, लेकिन इसके विपरीत लोगों में योग का उत्साह और बढ़ा है, योग से प्रेम बढ़ा है। पिछले 1.5 सालों में दुनिया के कोने कोने में लाखों नए योग साधक बने हैं। तो वही राजधानी देहरादून में भी योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम तीरथ सिंह रावत ने भी योग किया। इस दौरान डीएम भी पहुंचे। विश्वविद्यालय के कुलपति समेत कई लोग मौजूद रहे। सभी ने आयुर्वेद विश्वविद्यालय में हुए कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आयुष मंत्री हरक सिंह रावत भी इस दौरान वहां पर मौजूद रहे। देश और दुनिया में 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। तो वहीं नैनीताल राजभवन परिसर में प्रदेश की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने भी योगाभ्यास किया। नैनीताल में देश का 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। तस्वीर आपको दिखा रहे, राज्यपाल ने भी योग करके बड़ा संदेश यहां पर दिया। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने कैंप कार्यालय में सभी कर्मचारियों के साथ मिलकर योगासन किया। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए योगा सबसे लाभदायक औषधि का काम करता है। हम सबको मिलकर रोज 1 घंटा योग जरूर करना चाहिए। इससे शरीर चुस्त और तंदुरुस्त रहता है और कई तरीके की बीमारियों से भी हमें निजात मिलती है। योग करें और निरोग रहें। तो आज पूरी दुनिया में योग दिवस मनाया गया। शांति कुंज हरिद्वार में भी योग दिवस मनाया गया। शांति कुंज में विशेष आयोजन किया गया। लोगों ने वर्चुअल माध्यम से योग किया। हजारों की तादाद में लोग यहां पर शामिल हुए। तो वहीं हल्द्वानी में भी 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। सांसद अजय भट्ट ने यहां पर योगाभ्यास किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ योगा किया। खाटू श्याम मंदिर प्रांगण में योगाभ्यास का ये पूरा कार्यक्रम रखा गया। तो वहीं उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने योग दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को योग दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि भारतीय पुरातन पद्धति योग शारीरिक स्फूर्ति व मानसिक शांति प्राप्त करने का कारगर माध्यम है। वर्तमान समय में भी इसकी सार्थकता सिद्ध हो चुकी है। योग के रूप में हमारे देश ने विश्व को अनुपम उपहार प्रदान किया है। वैश्विक स्तर पर लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आप भी योग द्वारा अपनी जीवन शैली को सुचारू रूप से संचालित करने का संकल्प लें। चलिए इसी के साथ देवभूमि लाइव में फिलहाल के लिए बस इतना ही। लेकिन लगातार बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।